एक स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बट यू वॉन्ट टू चेंज योर जॉब, लाइक यू वॉन्ट टू स्विच योर जॉब एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, तो न्यूटन स्कूल आपको हेल्प कर सकता है बिकॉज दे डोंट चार्ज एनी फीस इन द स्टार्टिंग. यू हैव टू पे योर यू हैव टू यू डोंट हैव टू पे एनी अ सिंगल पेनी इन द स्टार्टिंग. यू जस्ट नीड टू लर्न योर कॉन्सेप्ट एंड गेट अ न्यू जॉब. तो ठीक है, इन स्टार्टिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. तो इंडस्ट्री क्या करती है, दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. इधर यू आर अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड अ वुमन विद नो कोडिंग बैकग्राउंड, सो दे विल प्रिपेयर यू फॉर योर कैरियर इन टेक. तो यार इससे अच्छा क्या होता है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन द स्टार्टिंग, यू हैव टू पे व्हेन यू गेट अ जॉब. आप डेफिनेटली चेक करना न्यूट्रिशन के बारे में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. तो ठीक है, इस वीडियो में देखने वाले हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मतलब एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है. हमने डिस्कस कर लिया कि एरे के बेसिस क्या होते हैं, हमने वो डिस्कस कर लिया है. ट्रैवर्सल कैसे करते हैं एरे पे, हमने वो डिस्कस कर लिया है. और क्या 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 हमने डिस्कस, इनपुट कैसे लेते हैं एरे में. इनपुट दो फॉर्म देखे थे, हार्ड कोडेड इनपुट देखा था हमने, मतलब क्या क्या आपने खुद से इनपुट फिल कर दिया उसमें, वो देखा था. यूजर्स इनपुट लेना है वो हमने देख लिया था अभी तक. और क्या देखा था हमने, प्रिंटिंग देखा था एरे का, एरे को प्रिंट कैसे करते हैं वो देख लिया था हमने, कि अगर एरे दिया गया है 1 2 3 वो इसको कैसे प्रिंट कर देंगे, वो सब हमने देख लिया है. इसके बाद हमने क्या देखा था कि एरे से अगर हमें कोई एलिमेंट गेट करना है, गेट गेट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे, हमने ये देख लिया था अभी तक. ठीक है, तो हमने ये सारा चीज देख लिया अभी. अगर हमें एरे से एलिमेंट गेट करना है या फिर हमें ट्रैवर्सल करना है या फिर हमें प्रिंट करना है, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक कवर कर ली है. तो ठीक है, इसमें अभी तक आई थिंक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन ऑन एरे. तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का यार, वो है मिनिमम फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे. पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जो अपने एरे में से मिनिमम एलिमेंट उसको फाइंड करने वाले हैं. उसका क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एरे. मतलब बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम ही है. सेम ही मतलब इन सेंस क्या है कि अगर आपको सिर्फ एक एक ये चेंज करना है, एक साइन चेंज करनी है, वो पूरा सेम ही रहेगा उसमें. बट मैं इसको इससे करा रहा हूँ, अभी बेसिस क्वेश्चन कर रहे हैं एरे के, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना बेसिस कवर हो सके पहले उतना देख लेते हैं, देन वी विल मूव बैक टू सम मीडियम लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, पहले क्वेश्चन ये है हमारा, देखते हैं कि अगर हमें एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे. तो ठीक है, पहले एक एरे बना लेते हैं, इसको मैंने तो रिमूव कर दिया अभी. ठीक है, एक एरे बना लेते हैं पहले. आई थिंक दैट वुड बी इनफ. तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 -1 0 5 7 8. ठीक है, तो आपके पास ये हमें एरर दिया गया है. एंड हमें क्या करना है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है और मैक्सिमम. सबसे पहले हम करते हैं कि फाइंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे. तो ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है. इस एरे में से पूरा मिनिमम क्या होगा देखना, इस एरे का पूरा, इस एरे में से मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम क्या है, -1, ये हो गया मिनिमम, हो गया आपका. मैक्सिमम क्या है, 8, ये हो गया मैक्सिमम, हो गया. सबसे पहले हम इसका कोड लिखेंगे कि हमें जो अपने एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है. ठीक है, इसका कोड लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका कोड, लिख लेते हैं एक बार. तो ठीक है, इसका एक बार कोड देख लेते हैं कैसे करेंगे. देखो हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है. तो हमें तो ट्रैवल कर, अगर हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे एरे पर ट्रैवल करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक. क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे है, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे है, आपको पता नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने पूरे एरे पे एक बार ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम फ्रॉम द बिगनिंग. हमें देखना पड़ेगा हर इंडेक्स पे, क्या यहाँ मिनिमम पर है, क्या यहाँ मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, हमें सारा देखना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें इतना तो पता है कि हाँ ट्रैवल मतलब ट्रैवल से कैसे करते हैं एरे, हमें इतना तो पता है अभी तक. अब हम देख लेते हैं इसके बाद ट्रैवल करके कैसे फाइंड करेंगे कि हाँ ये मिनिमम एलिमेंट है. तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं अभी कैसे करने वाले हैं. तो हम मैं क्या करूंगा ना, एक मिनिमम वेरिएबल बना लूंगा जिसको अभी इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से कर देते हैं इनिशियलाइज कर दिया हमने स्टार्टिंग में.
मतलब ये इंटीजर आपकी अपने एक मिनिमम वैल्यू बनाए जिसमें भी इंटीजर इंटीजर और मैक्स वैल्यू है। हम यहाँ पे आए सबसे पहले इस इंडेक्स हमने एक काम करते हैं ना, इसकी इंडेक्सिंग लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली हमारे एरे में 9 एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग 8 हो गई, 8 इंडेक्सेस हमारे पास। सबसे पहले आए हम देखा कि एरे पे एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो छोटी है मिनिमम से, मतलब मिनिमम में हमारे इंटीजर और मैक्स वैल्यू पड़ी है। अगर ये जो वैल्यू पड़ी है ना, अगर अगर ये मिनिमम से भी छोटी है तो हमारे मिनिमम को अपडेट कर दो। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी हमारे मिनिमम पे पड़ी है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्या वो सॉरी ये नहीं करना है, हमें ये करना है पहले इसमें। अगर हमारे एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो छोटी है मिनिमम से, एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा है 1, क्या वो छोटी है मिनिमम से, मिनिमम क्या है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ऑब्वियसली छोटी है यार ये क्योंकि इंटीजर की मैक्स वैल्यू होती है ना, ये इंटीजर की मैक्स वैल्यू तो हाँ छोटी है, आपकी मिनिमम में कर दो 1, मिनिमम में कर दो 1, 1 कर दिया आपने। अब क्या करो आगे बढ़ो, इसके लिए काम हो गया यहाँ पे है 2, मिनिमम में क्या है 1 है आपके, क्या 2 तो क्या है आपके एरे पे इंडेक्स पे क्या है 2, क्या 2 छोटी है 1 से, नहीं ये छोटी नहीं है कुछ मत करो, मिनिमम में 1 ही रह जाएगा। अभी 3 पे आए, एरे पे एरे फाई में क्या पड़ा 3, क्या 3 छोटा है 1 से, नहीं कुछ भी नहीं करो आगे बढ़ जाओ। क्या 4, क्या 4 छोटा है 1 से, नहीं छोटा नहीं कुछ भी मत करो आगे बढ़ जाओ। -1 आया यहाँ देखना, -1 आया ना तो हम देखेंगे क्या -1 छोटी है 1 से, हाँ -1 छोटी है 1 से, तो क्या करो अपने मिनिमम को अपडेट कर दो 1 से, अब हो गया -1 हो गया वो अपडेट। 0, क्या 0 छोटी है 1 -1 से, नहीं छोटी नहीं है कुछ भी मत करो छोड़ दो इसको ऐसे ही। 5 आया, क्या 5 छोटी है -1 से, नहीं कुछ भी मत करो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 7, क्या 7 छोटी है -1 से, नहीं कुछ भी मत करो इसको भी छोड़ दो ऐसे ही। मिनिमम आपका अभी तक -1 ही है क्योंकि पहले यहाँ अपडेट हुआ था, दूसरी बार 1 से छोटी वैल्यू उसको यहाँ मिल गया -1, तो हमने फिर यहाँ अपडेट कर दिया मिनिमम को। ठीक है अब देखो 8 आया, क्या 8 छोटा है -1 से, नहीं कुछ ही मत करो यार नहीं हुआ। एंड लास्ट में आपके मिनिमम पड़ा होगा -1, तो हमें यही रिटर्न करना है या फिर प्रिंट करना है। तो ठीक है ये देखा आपने, हमें सिर्फ एक ट्रेवल्सा लगाने अपने एरे में, हम देख हमने क्या किया एक मिनी वेरिएबल बना लिया एंड हमने हम देखते हैं कि क्या ये छोटा है इससे, क्या इससे छोटा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, जहां भी हमें से छोटे एलिमेंट वैल्यू मिल रही है हम उसको अपडेट कर दे रहे हैं वहां पे। एंड लास्ट में जो हमारी वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी एरे में मिनिमम एलिमेंट होगा हमारा। ठीक है ये इसको एक बार कर लेते हैं कोड, तो आप ये देखते हैं कि सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपको इतना समझ में आ गया कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा अपने एरे में, क्योंकि हमें पूरा देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है सारे एलिमेंट्स को। चलो इसको ट्रैवल कर लेते हैं, फॉर इंट आई इज टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस 10, और यहाँ एन डिनोट कर रहा है साइज ऑफ एरे। ठीक है यहाँ पे वैल्यू बना लो इंट मिन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, जावा में हम यूज करते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। हमने देखा क्या एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो छोटी है मिन से, अगर इससे छोटी है ना तो मिन को अपडेट कर दो, मिन को कर दो एरे ऑफ आई, इससे जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी, बस इसको आपसे प्रिंट कर दो। आप इस कोड को यहाँ पे ट्राई करते हैं कोड करने का, अभी हमने यहाँ पे लिखा है ना इसको ट्राई करते हैं कोड करने का, अब इसको करते हैं कोड कर लेते हैं एक बार चलो जल्दी से पहले। तो ठीक है यहाँ पे इसको कोड कर लेते हैं, एंड आपको इसके बारे में पढ़ना इंटीरियर मिन वैल्यू के बारे में तो गूगल पढ़ सकते हो, बट आई थिंक क्लियर होगा सबको क्योंकि ये सबको पता रहता है कि क्या है किसके बारे में क्या है, बट फिर भी अगर पढ़ना हो तो आप यू कैन गूगल इट। चलो इसको हम कोड कर लेते हैं एक बार, क्या कर सकते हैं इसके लिए देखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले बताना क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले लेना है अपना एन इनपुट लेना है, तो इंट एन इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट एंड, एंड देन हमने क्या किया अपने हमने अपना स्कैनर बना लिया, हमने अपना इंट इनपुट ले लिया। अब क्या करना है हमें, क्या करना है हमें यहाँ पे अपना एरे बनाना है, हमने क्या किया अपने एरे बना लिया। आई थिंक ये सारा सबको क्लियर होगा कि हमने अपना एरे ऐसे क्यों बनाते हैं, बना लिया। अब क्या करो अपने एरे में एलिमेंट इनपुट ले लो i+2 0, i<n, i++ ले लिया हमने इनपुट, यहाँ पे क्या करो इनपुट ले लिया, हमें इनपुट लेना होता है यहाँ पे s डॉट नेक्स्ट इन, ले लिया हमने इनपुट। अब क्या करना है देखो अपने एरे पे सबसे पहले अपना एरे का जो भी आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है आपने वो कर लिया है, स्कैनर बना लिया है, उसकी साइज पूछ ली है, एरे बना लिया है, उस साइज का एरे बना लिया आपने फिर एन डाल के उसके सारे एलिमेंट इनपुट ले लिया है। अब क्या करना है फाइंड मिनिमम फ्रॉम द एरे,
एक नॉर्मल लूप चलाओ, उससे पहले सबसे पहले क्या करना, हमें वैल्यू बनाना है इंटीजर इंट मिनिमम करके, मिनिमम सॉरी यहाँ पे होगा इंट इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, हमने अपना वेरिएबल बना लिया, अब हम ट्रैवल करने अपने एरे पे। अगर एरे पे एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है क्या वो छोटी है मीन से, ऐसा है तो मीन को क्या करो, अपडेट कर दो, अपडेट करके कर दो एरे ऑफ आई, लास्ट में ये वैल्यू प्रिंट कर दो अपनी। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, वैल्यू इन एरे इज मीन, एंड क्या करो रन करो उसको, इनपुट में हटाता हूँ यहाँ से, इसको पहले रन करते हैं एक बार कि क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अपना साइज इनपुट 5000 हम एरे बना रहे हैं, एंड करते हैं इसमें क्या कर सकते हैं इसमें बताना, अगर 5000 कह रहे तो इनपुट क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दे देते हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 इस एरे का साइज है ये 5, ये इसके एलिमेंट्स है, इसको रन करते हैं फिर से एक बार। काफी टाइम लग रहा है इसमें, यही देखो यार यहाँ पे आ गया ना मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे, मिनिमम वैल्यू इन एरे इज 1, तो इसको क्या करते थोड़ा स्पेस से सेपरेट कर देते हैं एक बार, फिर से इसको ट्राई कर रन करने का सेम है, मतलब मैं यहाँ पे इससे फिर से ट्राई कर रहा हूँ, देखो स्पेस आ गया ना। ठीक है, हमारे एरे मिनिमम वैल्यू है ही 1 ही है, देखा आपने मिनिमम वैल्यू हमने कर लिया। अब सपोज क्या हमें मैक्स करना है, सिर्फ मैक्स में क्या चेंज होगा बताना, अगर अगर हमें यहाँ पे मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक चेंज सिर्फ करना पड़ेगा हमें, वो चेंज क्या होगा जरा बताना है वो देख के। देखो मीन के लिए क्या कर रहे हैं, देख देखिए एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू पड़ी है ना क्या वो छोटी है मीन से, तो हम ये ऐसा कर दे रहे हैं, बट बड़ी होगी तो क्या करना पड़ेगा, अगर छोटी है तो ऐसा कर दे रहे हैं लेस देन कर दे रहे हैं, बट अगर अगर तुम्हें मैक्स फाइंड करना है, बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या ये चेक करना पड़ेगा, अगर उसे ये चेक करना पड़ेगा ना कि क्या उससे बड़ी है कि नहीं, बस ये लगा देंगे, एंड उसके लिए हमें एक और जगह चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे यार, जो मैक्स वैल्यू है इसको मिन करना पड़ेगा, इसको मिन कर दो बस, एंड यहां पे कर दो, एक मिनट मिन कर दिया, एंड यहां पे कर दो ग्रेटर देन कर दो। अब देखो आई थिंक ये काम कर जाएगा, यहां लिखा मैंने मिनिमम, मिनिमम को हटा दो मैक्सिमम कर दो यहां पे, मिनिमम अगला 5, बस यही था एक आपको चेंज करने की, आई थिंक आई होप इतना समझ में आया होगा, एंड फ्रॉम अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें एक एरे दी होगी 1 2 1 1 0 2, तो हमें अगर एक नंबर गिवन होगा 1, अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है फाइंड करना है कि 1 की सबसे 1 पहली बार किस इंडेक्स पे आ रहा था, सबसे पहली बार 1 किस इंडेक्स पे आ रहा था, इससे पहले हम ट्राई करेंगे एक एल्गो होता है लीनियर सर्च, पहले वो देखने का, देन वी विल मूव बैक टू दिस क्वेश्चन, अगर 1 हमारे एरे में है तो किस सबसे पहले प्रिंट किस इंडेक्स पे आया, अगर नहीं है तो माइनस रिटर्न कर दो, ये क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल, उससे पहले मे भी ट्राई करेंगे कि हम पहले क्या करें लीनियर सर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लें। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।